पास्ट बाय द अथॉरिटी, ऑर्डर पास्ड बाय द अथॉरिटी अंडर सरफेस ही एक्ट। हाँ, बोलो। ऑर्डर पास्ड बाय द अथॉरिटी अंडर सरफेस ही एक्ट। अच्छा, आई एम बोरोवर माय लॉर्ड। आई एम बोरोवर। यू आर बोरोवर। मैंने लोन लिया है माय लॉर्ड। हाँ, लोन लिया है मैंने कंपनी से। लोन लेने में कोई बुराई थोड़ी ना है। अगर आप इंटाइटेड हैं लोन लेने के, लीजिए लोन, क्या दिक्कत। माय लॉर्ड, बेसिक लोन लिए तो पैसा वापस करिए। बेसिक थिंग इज माय लॉर्ड, बेसिक थिंग इज वेरी क्लियर माय लॉर्ड इन इंडियन ज्यूडिशियल सिस्टम माय लॉर्ड। अच्छा अच्छा माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन माय लॉर्ड। आपने कहा ना दिस इज बेसिक प्रॉब्लम, क्या बेसिक प्रॉब्लम बोला? बेसिक थिंग माय लॉर्ड, बेसिक थिंग इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं माय लॉर्ड। देयर आगे बताइए माय लॉर्ड। देयर इज नो गवर्नमेंट माय लॉर्ड विदाउट ऑर्डर। देयर इज नो गवर्नमेंट माय लॉर्ड विदाउट ऑर्डर। देयर इज नो गवर्नमेंट विदाउट ऑर्डर माय लॉर्ड। और देयर इज नो ऑर्डर विदाउट लॉ माय लॉर्ड। विदाउट ज्यूरिडिक्शन ऑर्डर इज नॉट ऑर्डर माय लॉर्ड। ये जो ऑर्डर पास किया, बोलो तुमने भी बोला देयर इज नो गवर्नमेंट विदाउट ऑर्डर माय लॉर्ड। गवर्नमेंट और ऑर्डर से क्या मतलब है माय लॉर्ड? अगर कोई गवर्नमेंट चल रही है तो वो ऑर्डर से समर्थित ही होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट गवर्नमेंट की परिभाषा में थोड़ी आएगी। ऑर्डर क्यों कहते हो? गवर्नमेंट तो संविधान के अंतर्गत चलती है माय लॉर्ड। मेरा इतना सा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है। आप तो बड़े हाई नोट पे अभी बहस शुरू करिए। बेसिक थिंग अबाउट इंडियन जुडिशियल सिस्टम तो हमें समझना पड़ेगा क्या बोलना चाह रहे हैं यार। अब बोला आपने ऐसा कुछ जो भ्रंश है। देयर इज नो ऑर्डर विदाउट लॉ। लॉ इज फ्रेंकली क्लियर माय लॉर्ड इन सरफेसी एक्ट। ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन इज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 14 ऑफ द सरफेसी एक्ट माय लॉर्ड। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ माय लॉर्ड कि ये सेंट्रल का एक्ट है और इस एक्ट में माय लॉर्ड केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को पावर है। और ये जो ऑर्डर पास किया है माय लॉर्ड, इनिशिएशन टू इम्प्यूट ऑर्डर, सारी ऑर्डर सीटें और ऑर्डर माय लॉर्ड जो पास किया है वो पास किया है माय लॉर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने माय लॉर्ड। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड डीजे माय लॉर्ड, बोथ आर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट अथॉरिटी माय लॉर्ड। ये पावर जो है ये कलेक्टर की पावर एडिशनल कलेक्टर को, क्योंकि अगर आप एक्ट देखेंगे ना सर्विस रूल्स तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द कैडर ऑफ कलेक्टर। मॉरल पावर इज देयर इज नो सेपरेट कैडर। मॉरल सेंट्रल का एक्ट है पावर नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आप पावर इंक्लूड मुझे दिखा दो इनको डेलीगेशन ऑफ पावर। हाँ, तो ये डेलीगेशन ऑफ है, हो सकता है माय लॉर्ड। ये मानो मेरी बात, वर्दर डेलीगेशन इज नॉट परमिसेबल माय लॉर्ड। ये सेंट्रल का एक्ट है माय लॉर्ड। सेंट्रल के एक्ट में उससे फर्क, सेंट्रल ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को पावर दी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, देखो ऐसा गुप्ता जी, आपकी जुलूस प्रोडेंशियल बहस का कोई औचित्य नहीं है। ये बिल्कुल सही चीज है। और ये किस धारा में पेश हुआ, पास हुआ ऑर्डर? ये 14 में। तब वो पावर डेलीगेशन ऑलरेडी हो चुका है इसका, अनलेस यू कैन एड्रेस ऑन मेरिट्स। पावर मतलब पावर सेंट्रल का पावर डेलीगेशन भी इसमें सर, मैंने सारी ऑर्डर सीटें पेश की हैं, पावर डेलीगेशन भी नहीं हुआ। और अगर हुआ भी है माय लॉर्ड तब भी ऑर्डर एब इनिशियो वॉइड है माय लॉर्ड। ये मेरा समझ में आता है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट में ऑथराइज्ड एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू इवन एसडीओ कैन बी अथॉरिटी। ये कहा आपने? इवन एसडीओ कैन बी डन। एडिशनल कलेक्टर I know they were the contest in CAT related to this issue. I have argued that matter way back in about 20 years ago. I have argued this matter. The additional collectors do not form a separate cadre; they are part of the cadre of collector. Anand Gupta ji, ऐसा है कि
जो बहस है आपकी वो कानून की मंशा के विपरीत है। तोमर साहब जजमेंट भी लेके आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अपना रिपोर्ट ही एडिशनल कलेक्टर इस पर सरफेस ही है। यार ये वो नहीं है, घटना की तारीख बताओ, कस्टडी पीरियड बताओ। अब ज्यादा ना बुलवाओ, विड्रा कर लो, कुछ नहीं है इस केस में। मालूम मेरे को लिबर्टी दे रहे हैं, वो जो करना करो। ऑन एन ऑब्जेक्शन रेज बाय श्री तोमर एज अगेंस्ट द ज्यूरिडिक्शन, नहीं एज अगेंस्ट ऑन करिए इन व्यू ऑफ करिए इन व्यू ऑफ सेक्शन 14 वन स्मॉल कैपिटल ए एंड द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सो एंड सो केस एज पॉइंटेड बाई श्री रघुवंशी श्री तोमर and counsel on advance notice for the bank, we find no substance in the submission advanced by Shri Gupta that additional collector is not competent to pass an order in exercise of authority under section 14 of the Sarfasi Act. Consequently, WP Sans merit hereby dismissed. However, as prayed for, petitioner is always at liberty to approach the appropriate forum if law permits.